अच्छा, फोटोकॉपी में हम लोग बेसिकली दो जुड़वे बहनों की कहानी है जो एक ही लड़की के पैर में पड़ती है, और कैसे वो दो लड़कियाँ उस लड़के का क्या बोलते हैं मजाक उड़ाती है और उसको उसका पोपट बनाती है जो हम बोलते हैं। तो उस बारे में कहानी है, और 2016 की कहानी है, क्योंकि आज के ज़माने हम जैसी भाषा में बात करते हैं और जिस तरह से लोगों से बर्ताव करते हैं, कॉलेज में जैसा वातावरण होता है पूरा हमारा, तो बिल्कुल वैसे ही रखा है। और जैसे आप देख सकते हैं, प्यार भरी कहानी है, प्यार की है और प्यार से बनाई हुई है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों का प्यार वैसे विश्वास उड़ चुका है, शायद ये फिल्म देखने के बाद उनका प्यार का विश्वास फिर से आ जाए, ऐसी हमारी इच्छा है, कामना है, इच्छा है, देखते हैं। Obviously, I'm doing a double role, and it is every actor's dream to do a double role, and I'm getting this opportunity so early in my career. So I'm really very excited, very nervous, and after many years, there is this film in Marathi which is having a double role, and I'm very excited. This is a full family entertainer with great music and great locations and great people, and Vijay Maurya, who has won a national award for the film Chiller Party, is the director. It is his debut film which is in Marathi, which is a proud thing for us. So yeah, we are very excited. Also Nihar Rajpal Productions for being so brave and launching like a very fresh pair, because it's very difficult to do a film with like no celebrity faces, because it's a very very challenging thing to do. So we owe a lot to them also. Yeah. It's like, because what happens is people come to Bombay, they struggle, और अगर किन लोगों का कुछ हुआ नहीं इंडस्ट्री में, सो दे गो बैक विद अ वेरी बैड वाइब और ग्रज अगेंस्ट द फिल्म इंडस्ट्री इन देयर हार्ट। बट सिंस दे आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम एंड दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू गाय, आई थिंक अब मैं अपने दोस्तों को बोल सकता हूँ कि अरे पेशेंस रखो, तो यू नो यू विल डेफिनेटली रीच वेयर यू वॉन्ट टू रीच। सो आई थिंक दे हैव सेट एन एग्जाम्पल बाय लॉन्चिंग अ न्यू गाय लाइक मी। सो अभी मैं स्क्रिप्ट्स देख रहा हूँ, किस स्क्रिप्ट पे मैं करूँगा अभी फिल्म, वो भी मैं डिसाइड करूँ। थैंक यू। नहीं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं। थैंक यू।